Hey, what is up guys? The host Rutpal, I'm back with a new video. और आज हम बात करने वाले इंडसइंड बैंक के बारे में. वेल, इंडसइंड बैंक ये ऐसा स्टॉक है. वेल, मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं करने वाला था, मैं इसके ऊपर पहले ही बात कर चुका हूँ, बट वापस वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ पेड ट्रेनर्स है, कुछ रिटेल ट्रेडर्स के मसीहा इन शॉर्ट ऐसे लोग है, यूट्यूब पे भी है, ऑफलाइन कॉल्स देते हैं उनमें से भी है. उन्होंने यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक भरी भरी मात्रा में बाय करवाया है. बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में बाय करवाया है लोगों ने. यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का 50%, 60%, 70%, कुछ कुछ लोगों ने पूरा पैसा इस स्टॉक में लगा दिया है. इसलिए वो लोग मुझे डीएम करते हैं, वो लोग मुझे मेल करते हैं, बोलते हैं, हर रोज पूछते हैं कि रो भाई इस स्टॉक का क्या होगा, ये क्या होगा, हम क्या करें क्या करें. वेल, इसलिए उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है. आप पे ट्रेनर्स हो या फिर आप रिटेलर्स के मसीहा जैसे आप कुछ हो, तो आप प्लीज मेरे वीडियोस ना देखो. वेल, क्योंकि ये वीडियो आपको हर्ट कर सकता है. वेल, अगर आप प्रॉपर ट्रेडर हो तो ही ये वीडियो देखो. वेल, सबसे पहले हम इंडसइंड बैंक के बारे में बात करेंगे, उनके रिजल्ट्स के ऊपर जाएंगे. ऑल तो ये मैंने पहले डिस्कस कर दिए हैं, फिर भी वापस डिस्कस करेंगे. अगर हम देखें मार्च मंथ में इसने काफी कम यहाँ पर उस क्वार्टर में इसने काफी कम प्रॉफिट दिखाया था एज कम्पेयर टू इट्स यूजुअल प्रॉफिट इन द प्रीवियस ईयर. इन द प्रीवियस ईयर ये काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, जिसके वजह से हम देख सकते हैं इसमें, अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू देखें, जिसके वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा भी था. बट एज इन 2019 के स्टार्ट में ही इसने थोड़ी अपनी कमजोरी दिखानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि यही वो क्वार्टर था, यहाँ पर वो क्वार्टर था, बट 2019 में ही इसने अपनी डाउनफॉल शुरू कर दी थी, क्योंकि 2018 के पहले ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था. आप देख सकते हैं इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है. दिस इज अ वेरी गुड रिटर्न 2018 तक अगर हम देखा जाए तो, अगर पहले से, बट उसके बाद इसे क्या हो गया, इसने रिटर्न देना कम क्यों कर दिया. ये स्टॉक यहाँ पर एक टाइम पे 2000 पे ट्रेड कर रहा था, वो 2019 के ऑलमोस्ट हम मार्च में आ जाते कोरोना वायरस के पहले जब ये रैली देख रहे हो, 1700 पे आ गया था. ये गिरा क्यों, ये यहाँ से नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पूरे ईयर में इसके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं थे, पूरे साल में. और पूरे साल के हम कहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं. ऑल दो यहाँ पर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, बट फिर भी इसके और भी रीजन्स है, काफी सारे रीजन्स है. मैं आपको कुछ रीजन्स यहाँ पर बताऊंगा जो हमारे सामने यहाँ पर है. सबसे पहला रीजन है कि इसके जो एनपीएस है उसमें काफी ज्यादा राइज हुई है. और ये ऐसा वैसा बैंक नहीं, अगर ये एनपीए में राइज अगर सेम एचडीएफसी में होती तो ये चीज, ये जो डाउनफॉल है, ये पूरा साल में जो डाउनफॉल रहा या इनकंसिस्टेंट रहा है, वो हमें देख, पूरा साल नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट पूरा साल ही हो गया, बट फिर भी ज्यादा हो गया, डेढ़ साल हो गया, फिर भी ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एचडीएफसी नहीं है. एचडीएफसी में अगर ये सेम चीज हमें देखने को मिलती तो वो चीज यहाँ पे अवॉइडेबल थी, स्टॉक फिर भी ऐसी बढ़त दिखाता, बट ये इंडसइंड बैंक है. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में अगला पॉइंट भी है, इसके बारे में और एक पॉइंट भी है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा. ये एचडीएफसी नहीं है, ये इंडसइंड बैंक है. हर बैंक को एचडीएफसी के व्यू से या एसबीआई से व्यू से देखना बंद करना चाहिए. हर एक बैंक को उसके अपने अपने व्यू से देखना स्टार्ट करो. वेल, ओके, ये एक और चीज होगी यहाँ पर ठीक है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं ठीक ठाक, बट फिर भी मार्च मंथ में काफी कम हुए, ऑब्वियसली मार्च 19 में भी कम हुए थे, इस मार्च में भी यहाँ पर हमें प्रॉफिट कम देखने को मिली. ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट था कि एनपीए में इसके राइज हुए, ओवरऑल ईयरली बेसिस पे भी हुए हैं. हम देख सकते हैं यहाँ पर ये ईयरली बेसिस नहीं, एक्चुअली ये टोटल नॉर्मल बेस, सॉरी क्वार्टरली बेस लिए, बट स्टिल एज इन हम देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हुई है. पूरे साल में कैसे धीरे धीरे ग्रोथ हुई है, और एक साथ ही इसने यहाँ पर मार्च 20 के क्वार्टर में जंप लगाया है. जो पहले बढ़ रहा था ये ठीक ठाक बढ़ रहा था, बट एक बार इसने मार्च के क्वार्टर में काफी बड़ा जंप लगाया है. तो मार्च 20 का जो क्वार्टर था ये इंडसइंड बैंक के लिए काफी खराब क्वार्टर रहा है. मार्च 19 का क्वार्टर भी खराब था, मार्च 20 का क्वार्टर भी खराब है. एज अगर दिसंबर का क्वार्टर देखे, दिसंबर 19 का, तो ये क्वार्टर इज ठीक ठाक, ये क्वार्टर अच्छा है. एक बार के लिए हम इसे मान सकते हैं कि हाँ भाई ये ठीक ठाक क्वार्टर है. अगर हम दिसंबर में देखें तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर नवंबर में काफी उछाल है, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छे आने वाले थे, ऐसा एक्सपेक्ट था, तो एक्सपेक्टेशन की तरह ये बढ़ा और रिजल्ट्स ठीक ठाक आए. बट उसके बाद यहाँ पर कुछ नतीजे सामने आने लगे, उसके बाद स्टॉक गिरता चला गया,
हम देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी में गिरता चला गया, फरवरी में और गिरा, और मार्च में काफी ज्यादा गिर गया। क्यों? क्योंकि वो कोरोना वायरस का वेव यहाँ पर मार्च में एक्चुअल में हिट हुआ, इंडिया में एक्चुअल में मार्च में हिट हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके पहले है इसने ये ब्रेकआउट, ये टेक्निकल एनालिस्ट के भाषा में ब्रेकआउट जो हम कहते हैं, वो ब्रेकआउट इसने पहले ही दे दिया था। तो पहले से बहुत लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोरोना वायरस का ब्रेकआउट नहीं, कोरोना वायरस का सिचुएशन नहीं होता, फिर भी ये स्टॉक और नीचे आ सकता था। कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी। ओके, अभी बात करते हैं विथ एवरीथिंग, विथ एवरीथिंग अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास काफी कम स्टॉक्स है, प्रमोटर्स के पास काफी कम स्टॉक्स है। ऊपर से प्लेज शेयर जो है इसके वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा प्रमोटर्स के होल्डिंग से भी ज्यादा इसके प्लेज शेयर्स है, प्लेज शेयर्स की। और हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये और ये बस पॉइंट यही खत्म नहीं होता, इसलिए ऊपर मैं कम्प्लीटली बात नहीं की। एफआईआर एफपीआई इसके पास सबसे ज्यादा इसके स्टॉक्स है, एफआईआर एफपीआई कौन, हमारे बाकी के बैंक्स भी आते हैं इसमें, एसबीआई भी आती है, एचडीएफसी भी आती है, ये और बाकी और सारे इन्वेस्टर्स है वो भी आते हैं यहाँ पर। टोटल डीआईज उनके पास भी काफी ज्यादा स्टॉक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतने होल्डिंग नहीं रखते, इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी काफी ज्यादा स्टॉक है, बट मार्च 20 के क्वार्टर को देख के उन्होंने भी अपने शेयर्स डाइल्यूट किए हैं, उन्होंने भी डाइल्यूट किए हैं। वन मोर थिंग टू बी यहां पर नोटिस करें कि प्लेज शेयर्स पूरे के पूरे साल भर में कम नहीं हुए, पूरे साल भर में ये शेयर्स कम बिल्कुल भी नहीं हुए, 0.01% भी कम नहीं हुए, कितने 0.01% भी कम नहीं हुए पूरे साल, वैसे के वैसे ही है। ओके, बड़े भी नहीं, वो भी अच्छी बात। वेल, अगर हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर देखें, तो म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है मार्च के क्वार्टर में, जो कि एक पॉजिटिव बात, एक ही पॉजिटिव बात मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। अदर डीआईज ने अब भी अपने होल्डिंग्स यहाँ पर पहले कम की थी और बढ़ाई है, अदर्स यानी हम जैसे इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है मार्च 20 के क्वार्टर में। जैसे मैंने कहा, पेट्रनर्स ने अपने लोगों को बाय करने बोला है, तो बल्क में बहुत से लोग होते हैं उनके पास, वो लोग यहाँ पर बाय कर देते हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा सा जंप हो जाता है ऊपर, एज इन देखा जाए, क्योंकि बहुत से लोग उनके पोर्टफोलियो में होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने पेट्रनर्स को बोलते, जो इनके अंडर होते हैं उन्हें बोलते हैं कि लोगों से ये बाय करवाओ, फिर वो लोगों को कहते हैं कि बाय करें, फिर लोग बाय करते, फिर अदर्स की यहाँ पर शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाती है। ये एक मार्केट सिस्टम है, ये आपको थोड़े टाइम बाद समझ में आएगा, जिसे समझ में, जिसे पहले जो काफी टाइम से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उन्हें शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो स्टॉक मार्केट में नए हैं वो सीख जाओगे धीरे धीरे, इसके ऊपर सेपरेटली एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं। एनीवेज, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो भी मैंने कहा था एनपीएस में इंक्रीज है, वेल यहाँ पर एक और पॉइंट है, अभी कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ पर काफी सारे अनाउंसमेंट्स हुए, ऑब्वियसली आरबीआई ने ये खुद आके अभी तक बात नहीं की, बट स्टिल एज इन यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते हुए बैंक में जो एनपीएस है उनमें और बड़ी इंक्रीज आ सकती है, इंक्रीज नहीं बहुत बड़ी इंक्रीज आ सकती है, बड़े बड़े बैंक से ज्यादा, या जो छोटी छोटी बैंक है, इंडसइंड बैंक हो गए, आईडीएफसी हो गई, एक्सिस हो गई, आईसीआईसीआई भी आती है उनमें, वो भी हो गए, ये सारे जो बैंक्स है ये यूजुअली जो छोटे छोटे लो जो जो बिजनेसेस होते हैं जिन्हें यहाँ पर बड़े बड़े बैंक्स कभी कभी लोन रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये छोटे बैंक्स के ऊपर आ जाते हैं, और छोटे बैंक्स को ऑब्वियसली बिजनेस चाहिए होता है, तो जब वो बड़े बैंक्स उन जिन्हें रिजेक्ट कर देते हैं छोटे बैंक्स उन्हें लोन दे देते हैं। जैसे हमने पीएनबी में देखा, नीरव मोदी को लोन दिया था वो पे नहीं कर पाया भाग गया, विजय माल्या को देखा, विजय माल्या लोन पे नहीं कर पाया भाग गया, वैसे ही छोटे छोटे केसेस ना यहाँ पर इन बैंक्स में होते रहते, छोटे छोटे जो न्यूज़ में आते नहीं है बट होते रहते। तो और एज इन बड़े बड़े ये जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हैं उन वो तो अलग बात है, बट स्टिल एज इन जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं वो भी लोग यहाँ पर पे बैक नहीं कर पाते। सबसे पहले अगर हम देखा जाए यहाँ पर इंडसइंड बैंक का, हम यहाँ पर पीईजी रेशियो इज लेस देन 1, जो कि काफी बुरी बात है। ऑब्वियसली यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, एपीएस काफी अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज्यादा है, जो कि इट्स नॉट दैट ग्रेट, एक बात मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा चिंताजनक दिखती है कि यहाँ पर अगर हम डेप्थ देखा जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा डेप्थ है। मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये बात आपको नोटिस करनी है कि डेप्थ देखो कितना है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो कितना है। क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कितना है, कितना है देखो, और डेप्थ देखो कितना है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं शांत हूँ,
मैं बिल्कुल शांत हूँ, ये आपको नोटिस करना है, आपको भी सीखना है, डेप्थ देखो कितना है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो कितना है, देख लिया। ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, जो मैं एक्चुअली में कह रहा था, कोरोना वायरस के चलते एनपीएस में काफी ज्यादा राइज हो सकती है, जिसके वजह से इंडसइंड बैंक यानी तो बाकी सारे बाकी के जो बैंक है वो काफी ज्यादा हिट हो सकते हैं। इसके पूरे पूरे रिजल्ट्स हमें अगले मंथ के, यानी अभी जो करंट मंथ चल रहा है, अभी जो खत्म हो गया, अभी 29 चालू है, अभी जो खत्म हो गया उसके रिजल्ट्स जब आएंगे, वो यहाँ पर जो पूरे क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आएंगे उसमें हमें कुछ चीजें सामने आएंगी, और उसकी अगला जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उसमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमारे हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप 6 महीना रुके, बट स्टिल एटलीस्ट वी कैन वेट फॉर नेक्स्ट रिजल्ट्स। आने वाले जो नेक्स्ट रिजल्ट्स है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। पोजीशन बनानी है तो नेक्स्ट रिजल्ट्स तक रुक जाओ, और पोजीशन एग्जिट करनी है तो एस्टीमेट्स तक रुक जाओ। मार्केट अभी एस्टीमेट्स लाएगा अगले तो कुछ दिनों में, यहाँ पर मार्केट अपने एस्टीमेट्स दिखाने शुरू कर देगा। बड़े बड़े मीडिया फर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम ले लो, मनी कंट्रोल ले लो, खुद मैं मनी कंट्रोल यूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मनी कंट्रोल ले लो, इकोनॉमिक टाइम्स ले लो, काफी सारे बिजनेस वेबसाइट्स है, वो अपने एस्टीमेट्स पोस्ट करना शुरू कर देंगे। उनके एस्टीमेट्स पे आपको नजर रखनी है, उनके एस्टीमेट्स क्या कहते हैं, वो अगर अच्छे रहे तो आप यहाँ पर आपकी पोजिशन कंटिन्यू रख सकते हो, बट वो अगर खराब रहे या न्यूट्रल भी रहे तो आपको एग्जिट कर देना है। मैं एग्जिट करने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको शर्त बता रहा हूं किस बेसिस पे आपको करना है, कब करना है और करना है या नहीं करना है। कब करना है, जब यहाँ पर मार्केट के एस्टिमेट्स आ जाएंगे उसके बेसिस पे आपको इसमें फर्दर डिसीजन लेनी है। मैंने पहले ही कह दिया कि एनपीएस बढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर अभी ही रिस्क है, बट स्टिल आपको अगर श्योर होना है, मेरे पे विश्वास नहीं है, तो आपको यहाँ पर मार्केट के एस्टिमेट्स तक रुकना चाहिए। फिर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, गाइस होस्ट पसंद है, सी माय नेक्स्ट वन, और जिसे नई पोजीशन बाय करनी है बिल्कुल मत करना। ड्रॉप द बॉम्ब।